बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज ईमान में रखे। आज एक बहुत खूबसूरत दिन का आगाज़ हो गया है। आज हम ईद की स्पेशल मेन्यू बनाने जा रहे हैं। आज गर्मी काफ़ी है और हम आगाज़ कर रहे हैं वाटरमेलन के जूस से। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है, तो प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा, प्लीज़ तआवुन कीजिएगा हमारे साथ। रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं तरबूज का जूस। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, ये बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, ये गर्मी दूर करता है। अगर आपका वैसे खाने को दिल ना करे तो आप इसका बेशक जूस बना के पी सकते हैं। इसके लिए चीज़ें नोट कर लें, ये 3 कप हमने तरबूज लिए, इसके पीसेस कर लिए। 4 टेबलस्पून हमने चीनी ली है। 1 टीस्पून हमने काला नमक लिया है। 2 टेबलस्पून लेमन जूस लिया है। 1/2 कप पानी लिया है। और ये आइस क्यूब्स लिए हैं थोड़े से। और ये तुख मलाई अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो ना डालें बेशक आपका। ये भी तासीर इसकी भी ठंडी होती है। तरबूज को ग्राइंड कर लेते हैं। पानी भी डाल देंगे। इसको छान लेंगे। ये हमने छान लिया है, अब हम इसे फेंक देंगे और जूस को दोबारा डालेंगे जग में। ये दोबारा हमने डाल दिया। अब ये चीनी डालेंगे, लेमन जूस, काला नमक और इसे फिर एक बार तरबूज का जो तैयार डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। एक में हम तुख लंगा डालेंगे और एक तुख लंगे के बगैर। का
जूस तैयार है, प्लीज़ आप इसे ट्राई करें, उसमें बताएँ आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। रहमानी रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज ईमान में रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं तुर्किश कबाब। 700 ग्राम हमने बीफ का कीमा लिया, एक बड़ी प्याज ली, इसको हमने बारीक काट लिया, एक छोटी शिमला मिर्च ली, 3 टेबलस्पून हमने पुदीना लिया, इसको भी बारीक काट लिया, ये 3 हरी मिर्चें ली, इनको भी बारीक काट लिया, ये 4 टेबलस्पून हमने हरा धनिया लिया, इसको भी बारीक काट लिया, 1 चम्मच हमने सुरख मिर्च ली पिसी हुई, 1 टीस्पून हमने काली मिर्च ली पिसी हुई, हसबे जायका नमक, 1 टेबलस्पून हमने ज़ीरा लिया कुटा हुआ, 1 टेबलस्पून अनारदाना कुटा हुआ, 1 टेबलस्पून हमने पिसा धनिया लिया, 1 टीस्पून हमने पेपरिका पाउडर लिया। ये हम चॉपर में डाल के बिल्कुल सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। भी डाल देंगे प्याज, शिमला मिर्च, इसको मिशन ऑन कर लिया। डालते हैं सारे अपने स्पाइसी, सिर्फ मिर्च, पेपरिका पाउडर, काली मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, अनारदाना, जीरा पाउडर, इनको फिर मिक्स कर लेते हैं। दफा इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में, फिर आपको कबाब बना के दिखाएंगे। ये 1 घंटा हो गया है, हमें इसको मसाले को मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। अब हम इस तरह की स्टिक लेंगे और अपने कबाब बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह हम अपने सारे बना लेंगे।
इसी तरह हम बना लेंगे अपने सारे कबाब। ये हमारे कबाब बना लिए हमने, अब हम इनको पका लेते हैं। फ्राई पैन हमने रख दिया है, अब हम इसमें आटा डाल लेंगे थोड़ा सा। इसमें हम अपने कबाब रखेंगे, दस मिनट हम उनको आगे से ऊपर से पकाएंगे और 10 मिनट हम उनको नीचे से पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हमें सेक में, नीचे से ऊपर से भी सेक पका लेते हैं, 10 मिनट पका लेते हैं। ये हमारे कबाब तैयार हो गए हैं, अब हम उनको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये हमारे तुर्किश कबाब तैयार हैं। प्लीज़ आप इन्हें ट्राई करें और हमें बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं नमकीन मटन कढ़ाई। 700 ग्राम हमने मटन लिया, 5 हमने टमाटर लिए, 7 हरी मिर्चें ली, 1/2 कप ऑयल लिया, 1 टेबलस्पून हमने ब्लैक पेपर ली पीसी हुई, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया साबुत, 1 टेबलस्पून नमक, आप अपनी हसने ज़रूरत ले सकते हैं, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा। ये ऑयल डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त डाल देंगे, इसको 2-3 मिनट पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज होगा। अब हम इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे, 1-2 मिनट भून लेंगे। मसाले भी डालते हैं, काली मिर्च, धनिया, नमक, जीरा, टमाटर के हमने छिलके काट दिए थे, ये भी डाल देते हैं। हरी मिर्च भी डाल देते हैं, इसको पानी डाल के इसको हम हल्की आंच पे रख देंगे तकरीबन 40-45 मिनट तक। फिर आपको दिखाते हैं। मिनट हो गया तो पकाते हैं, देख लेते हैं। ये 25 मिनट के लिए रोक पाएंगे इसे, फिर आपको दिखाते हैं। ये 25 मिनट और हो गए हैं, हमें पकाते हुए चेक कर लेते हैं।
ये गल गया गोल। इसको अब हम भून लेंगे अच्छी तरह, 3-4 मिनट। गोश्त गल चुका है हमारा, ऑयल ऊपर आएगा तो हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। मैं 4-5 मिनट और भून लिया, ऑयल ऊपर आ गया, नमकीन गोश्त हमारा तैयार हो गया। अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं और आपको दिखाते हैं। बहुत ही मज़े का नमकीन मटन तैयार है, प्लीज़ आप से ट्राई करें और हमें बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं मोती चूर के लड्डू। 1 कप हमने बेसन लिया, 1/4 टीस्पून हमने ऑरेंज कलर लिया, बस ज़रूरत पानी लेंगे जितना यूज़ करना होगा। ये चाशनी के लिए हमने 1/2 कप चीनी ली है, 1/2 कप हमने पानी लिया है, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून लेमन जूस लिया है, 1/2 टेबलस्पून हमने 4 मुरब्बे लिए। ये बूंदी बनाने के लिए हमने, हमारे पास झारा नहीं है, इसके लिए हमने ये नॉन स्टिक का डिब्बा लिया है और इसके हमने सुराख कर लिए हैं, आप भी ये यूज़ कर सकते हैं। इस तरह इसमें डाल देंगे 1 ग्राम ऑरेंज कलर डाल देंगे, इसे थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हमने बिल्कुल पतला बनाना है इसको। ये हमारा बैटर तैयार हो गया, ये हमने इतना पतला रखना है इसको इतना। ये घी गर्म होने के लिए हमने रख दिया है। घी गर्म हो गया है, अब हम बूंदी बनाना शुरू करते हैं। कुछ सेकंड के लिए करने, एकदम हो जाती है जल्दी से, बहुत जल्दी बन जाती है ये। 1 मिनट के लिए तकरीबन हम करेंगे, ये हम निकाल लेते हैं इसको। इसी तरह हम दूसरी भी डालेंगे। इसी तरह सारे बना लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। अब तैयार हो गई है, अब हम चाशनी बना लेते हैं। जब हम फिर चाशनी बना लेते हैं, 1/2 कप हमने चीनी डाली, 1/2 कप पानी, 4-5 मिनट तक पकाएंगे इसको। इलायची पाउडर डाल देंगे, लेमन जूस। ये चाशनी हमारी गाढ़ी हो चुकी है, अब हम इसमें ये डाल देंगे।
इनको 2-3 मिनट पका लेंगे। ये 2-3 मिनट हमने पका लिए इसे, और फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये हम इसमें मगज़ डाल के 5-10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये 15 मिनट हो गया हमें रखे हुए, अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। इसी तरह हम अपने सारे बना लेंगे। ये हमारे मोतीचूर के लड्डू तैयार हैं। प्लीज़ आप इन्हें ट्राई करें और हमें बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कौरमा। 700 ग्राम हमने मटन लिया, 2 मीडियम हमने प्याज लिए, इसको हमने फ्राई कर लिया, 1 कप हमने ऑयल लिया, ये हमने 1 तेज़पात लिया था, इसके 2 पीस कर लिए हैं, 1 टेबलस्पून हमने ज़ीरा लिया है, 6-7 काली मिर्चें हैं, 3 हरी इलायची हैं, 1 पाव दही लिया है, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, 1.5 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये गरम मसाले लिए हैं, इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये 1 फूल हमने जावित्री कर लिया है, 5-6 हरी इलायची ली है, ये 1 दालचीनी का पीस लिया, उसके 2 पीस कर दिए हैं, 1/2 टीस्पून हमने काली मिर्च ली है, 5-6 हमने लौंग ली है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, ये हमने थोड़ा सा जायफल लिया है तोड़ के इसको। फिर ऊपर टाइम होना, बिस्मिल्लाह रखने रहेंगे। हम ये ऑयल डाल देंगे पहले, ये ज़ीरा, तेज़पात और सब्ज़ इलायची और काली मिर्च डाल के थोड़ा सा धनिया, नमक, गरम मसाला मिक्स कर लेंगे। दही डाल के इसे भून लेंगे अच्छी तरह। पानी डाल के इसको गोश्त को गला लेंगे, 10 मिनट के लिए रख देंगे, फिर आपको दिखाते हैं। वन टीस्पून हमने केवड़ा वाटर लिया है। ये जो हमने साबुत मसाला दिखाया था ये हमने पीस लिया है।
प्याज को भी हमने पीस लिया है। 10 मिनट हो गए हमारे कुकर को, खोल के देख लेते हैं। गोश्त हमारा गल गया है, अब ये प्याज डाल देंगे हम इसमें थोड़ा सा। ये थोड़ा सा आधा कप हम इसमें पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए बंद करके रख देंगे। सीटी नहीं लगानी, बस ऐसे थोड़ा सा ही पक जाए। और ये जो हमने मसाला पीसा था ये भी हम 1 टेबल स्पून डाल देंगे इसके अंदर। ये 5 मिनट हो गए हमने रखे हुए, अब इसमें ये केवड़ा वाटर डाल देते हैं। अब हम आपको डिश आउट करके देते हैं। हमारा मटन कौरमा तैयार है, प्लीज़ आप इसे ट्राई करें और हमें बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं आम का मुरब्बा। 1 किलो हमने आम लिए, 1 किलो चीनी ली, 1 टीस्पून हमने इलायची पाउडर लिया, 3 टेबलस्पून हमने बादाम लिए, इनको गर्म पानी में करके इनका छिलका उतार लिया। इनको हम काट लेते हैं, छिलका उतार लेते हैं। इनको हम जूस में काट लेंगे। ये आम हमने काट लिए क्यूब में, अब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे। ये हम चीनी भी डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। इसे मीडियम आंच पर पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर दिखाते हैं आपको। ये हम इलायची पाउडर भी इसमें डाल देंगे। इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला, पीने का ही पानी है इसके अंदर, चीनी में छोड़ा। इसको तकरीबन 10 मिनट और पका लेंगे। ये 15 मिनट हो गए हैं पकाते हुए। अब हम इसमें बादाम डालेंगे थोड़े से, थोड़े गार्निश के लिए रखेंगे। अब फ्लेम ऑफ कर देते हैं, रात को भी शॉप करके ठंडा करके खाते हैं। ये आप परांठे के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये हमारा आम का मुरब्बा तैयार है, प्लीज़ आप इसे ट्राई करें, हमें बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
रहीम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं नहारी। सबसे पहले हम नहारी का मसाला बनाएंगे। इसके लिए चीज़ें नोट कर लें। 6 हमने बड़ी इलायची ली, 7 हरी इलायची, 4 पीस हमने दालचीनी के लिए इनके पीसेस कर लिए छोटे छोटे, 2 बादियान के फूल लिए, 2 टेबलस्पून हमने साबुत धनिया लिया, 1.5 टेबलस्पून हमने जीरा लिया सफ़ेद जीरा, 4 टेबलस्पून सौंफ ली, 1.5 टेबलस्पून हमने काली मिर्च ली साबुत, 1 टेबलस्पून हमने लौंग ली, 1 पीस हमने जावेत्री का लिया, ये हमने जायफल ली उसमें से आधा पीस कर लिया, 1.5 टेबलस्पून हमने नमक लिया, 2 टेबलस्पून हमने सुरख मिर्च ली पीसी हुई, 1/2 टेबलस्पून हमने हल्दी ली, 1 टेबलस्पून हमने अदरक का पाउडर लिया, 1/2 टेबलस्पून हमने टाटरी ली, 1/2 टेबलस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली और ये 2 तेज़पात लिया। इसको हमने पीसीस में कर लिया। मसाले थोड़े रोस्ट कर लेते हैं सारे। एक मिनट इनको रोस्ट कर लेते हैं। मेरे पास पिपली नहीं थी, आपके पास पिपली हो तो जरूर डालने से अच्छा टेस्ट आता है नहारी का। हमने इनको रोस्ट कर लिया, अब हम इनको ठंडा होने देंगे। फ्लेम ऑफ कर दिया, फिर हम इनको ग्राइंड करते हैं। ठंडे हो गए, हम इनको ग्राइंड कर लेते हैं। तेज पात भी इसको तोड़ के अच्छी तरह डाल देंगे इसमें।
इसको हम छान लेंगे। पीसेस रहेंगे इनको दोबारा हम ग्राइंड करेंगे। सारा ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया इसे। अब हम इसमें सारे डाल देंगे अपनी स्पाइस, नमक, मिर्ची, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, टमाटर, अदरक पाउडर। तैयार हो गया है। अब हम नहारी तैयार कर लेते हैं। ये एक किलो गोश्त में तकरीबन 8 चम्मच डालने पड़ेंगे, 8 टेबल स्पून डाल सकते हैं, या अपनी सेहत के जितने आपको स्पाइसी पसंद है। जब हम अपनी नहारी की चीज़ें तैयार कर लेते हैं, 700 ग्राम हमने गोश्त लिया बीफ का, 2 प्याज भी इनको बारीक काट लिया, 4 टेबलस्पून हमने दही लिया, 1/2 कप ऑयल लिया, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट किया, 5 टेबलस्पून हमने नहारी मसाला लिया जो अभी तैयार किया था। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। ऑयल डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, बिस्मिल्लाह रखना है। इसको हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। मसाला डाल देंगे, नहारी मसाला, दही भी डाल देंगे, चार पाँच मिनट अच्छी तरह भून लेंगे। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे, एक
एकदम पानी सब्जी में अब हम इसमें छह ग्लास पानी डाल के तकरीबन 30 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारा गोश्त गल जाए। हम इसको बंद करके रख देंगे। आधे घंटे के लिए रख देंगे बंद करके ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए, फिर आपको दिखाते हैं। अब नान की तैयारी कर लेते हैं। अब हम नान के लिए आटा गूंद लेते हैं। 3 कप हमने मैदा लिया, 1 टेबलस्पून हमने ईस्ट ली, 1 टेबलस्पून हमने शुगर ली, चीनी 1 टीस्पून हमने नमक लिया, 1/4 टीस्पून हमने अजवाइन ली। ये आपकी अपनी मर्जी है, डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें। ये ज़रा अच्छी होती है नान, ज़रा हैवी होते हैं, इसे हजम हो जाते हैं ज़रा, इसलिए मैंने डाली है थोड़ी सी अजवाइन। 2 टेबलस्पून हमने ड्राई मिल्क लिया, 2 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया, बस ज़रूरत पानी। पहले हम सारी ड्राई चीज़ें डाल देंगे, ईस्ट, शुगर, नमक, अजवाइन, ड्राई मिल्क, मिक्स कर लेंगे। ऑयल, आटा हमने गूंद लिया है। अब हम इसे कवर करके तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देंगे ड्राई होने के लिए। फिर आप हम पकने को इसमें बंद कर दिया है, चेक कर लेते हैं। गोश्त हमारा गल चुका है, हमने इसमें ऑयल कम डाला था। अब हम ऊपर से इसको तड़का लगाएंगे। पहले हम ये इसमें गेहूं का आटा डालेंगे। ये हमने 3 टेबलस्पून हमने गेहूं का आटा लिया है,
अब ये इसमें डालेंगे, पानी डालेंगे। पतला कर लेंगे, आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे इसमें। हम 5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पर रख देंगे पकने के लिए। बीच में तड़का लगाएंगे तेल ऑयल का। बंद करना, बस हल्का सा इसको बंद। इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे। 5 मिनट हो गए हमें रखे हुए। अब हम इसको उतार लेते हैं। अब हम इसको तड़का लगा लेते हैं। 4 टेबलस्पून हमने ऑयल ले लिया है। 1/2 टीस्पून हमने मिर्च ले लिया सिर्फ। इसमें डालेंगे एक मिनट बस पकाएंगे तो फिर मिर्चों का कच्चा बन दे देंगे। अभी हम नमक भी डाल देंगे। ऊपर से 1/2 टीस्पून हमने इसमें गरम मसाला डाल देंगे। इसके बाद अब हम नान बनाते हैं, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। आटा हमारा राइज हो गया है, अब हम इसके नान बनाते हैं। बेलेंगे ओवन हमने प्रीहीट होने के लिए रख दिया है 240 पे। बेकिंग ट्रे लेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा निशान लगा लेंगे। हाथ पे थोड़ा पानी लगाएंगे। फिर से थोड़ा सा तेल डाल देंगे।
ओवन ओवन में रखेंगे इसको। अभी ओवन में रख लेंगे हम 10 मिनट के लिए, हम इसको रख देंगे ओवन में, फिर आपको दिखाते हैं। नान तैयार हो गया हमारा, अब हम आपको निकाल के दिखाते हैं। अब इस पर हम मक्खन लगाएंगे। दिखाते हैं आपको नहारी और डिश आउट करके। ये हमारे नान और नहारी तैयार हैं। प्लीज़ आप इन्हें ट्राई करें और हमें बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही टुकड़े, इनकी स्पेशल डिश। 5 स्लाइस हमने ब्रेड के लिए हैं, आधा कप हमने खोया लिया है, ये थोड़े से हमने पिस्ते लिए हैं, थोड़े से बादाम लिए, इनको बारीक काट लिया है। ये 3 टेबल स्पून हमने चीनी ली है, 1/4 टी स्पून हमने इलायची पाउडर लिया है, 1/4 टी स्पून हमने केवड़ा एसेंस लिया है, ये हमारी रबड़ी के लिए है। 1 लीटर दूध लेंगे। ये शुगर सिरप के लिए आधा कप हमने चीनी ली है और आधा कप हमने पानी लिया है। 1 लीटर हम दूध डाल देंगे। हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। काट देंगे, आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। ऐसे कर लेंगे, इनको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इनके हम क्रम्स बना लेंगे। ये हम इसमें चीनी डाल देंगे। इलायची पाउडर डाल देंगे, इलायची पाउडर, इसको पकाते जाएंगे जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। इसको हम थोड़ा सा भुनाते जाएंगे ताकि वो नीचे से लगे ना, साइडों से लाइए काट देंगे। ये खोया भी इसमें डाल देंगे हम। खोया हमने आपको बनाना सिखाया है हमारी पहली रेसिपी में, आप देख सकते हैं।
ये हम थोड़े से पिस्ते बादाम अभी डालेंगे, थोड़े बाद में गार्निश के टाइम। तीन चार मिनट से और भी पकाएंगे। ये हमारी रबड़ी तैयार हो गई है, फ्लेम ऑफ कर देते हैं, इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। अब हम शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। देखिए थिकनेस काफ़ी है, ये आधा कप पानी डालेंगे, आधा कप हम चीनी डालेंगे। इसको शुगर सिरप तैयार कर लेंगे। ये शुगर सिरप हमारा तैयार हो गया, बस हमने इसे इतना ही पकाना है। अब हम इसे निकाल लेते हैं, ब्रेड को फ्राई करेंगे। आज हमने मीडियम लो रखनी है, बहुत जल्दी होती हैं। फिर डालते हैं इसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। साइड चेंज करेंगे। तो गोल्डन फ्राई तक करना है, जब तक इसका कलर गोल्डन हो गया, जब तक इसे फ्राई करना है। हमने इसका कलर ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा और कर लेंगे। ये हमने सारे फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसको शुगर सिरप में डालेंगे।
केकिंग वाटर भी इसमें डाल देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। ब्रेड की लेयर हमने लगा दी, अब हम इसमें रबड़ी डालेंगे अपनी। % पिस्ता बादाम डालेंगे। बहुत ही मज़े के शाही टुकड़े तैयार हैं। प्लीज़ आप इन्हें ट्राई करें और हमें बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।